नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज जानेंगे गेहूं की तेजी मंदी रिपोर्ट। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहले बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं और शेयर करें। किसान साथियों, मौसम में गर्मी बढ़ने लगी है, जिसका असर गेहूं सहित सरसों व चना की फसल पर पड़ने जताई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार इतनी गर्मी साल 1901 फरवरी में हुई थी और उसके बाद इस साल की फरवरी में सबसे अधिक गर्मी रही है। अब मार्च से मई तक भारत के अधिकांश राज्यों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना व्यक्त की गई है। किसान साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गेहूं की विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल समय से पहले बढ़ रही गर्मी से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस समय पे गेहूं में दाना विकसित होने की प्रक्रिया चल रही होती है। इसलिए गर्मी बढ़ने से गेहूं का दाना छोटा और पतला हो सकता है, जिससे गुणवत्ता में भी कमी आ सकती है। किसान साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 फरवरी को भारतीय सरकारी गेहूं भंडार में से लगभग 20 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बिक्री के लिए आने के बाद सरकार के पास लगभग 133.64 लाख टन गेहूं का भंडार बचा हुआ है। सरकार द्वारा लगभग 50 लाख टन गेहूं बाजार में बेचने के साथ साथ बिक्री मूल्य 2350 से कम करके 2150 रुपए करने से गेहूं की कीमतों में एक बार फिर 500 रुपए प्रति क्विंटल तक आ चुका है। इस समय दिल्ली के टॉरेंस रोड पर राजस्थान लाइन को गेहूं के 2390 रुपए से लेकर 2400 रुपए, एमपी लाइन गेहूं 2390 रुपए से लेकर 2400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर कारोबार कर रहा है। किसान साथियों, नई फसल आने में अब अधिक समय नहीं बचा हुआ है, लेकिन सरकारी भंडार में गेहूं का स्टॉक बहुत कमजोर होने से बाजार में और गिरावट आने की संभावना है। किसान साथियों, गेहूं की आवक शुरू होने के लगभग एक महीने तक बाजार दबा रह सकता है, उसके बाद बाजार में फिर से तेजी आने की संभावना बन सकती है और सीजन जाने के बाद गेहूं के भाव फिर से MSP के पार जा सकते हैं। बाकी हाजिर मंडियों के ताजा भाव, राजकोट मंडी में गेहूं का बावरा 2310 रुपए, खातेगांव मंडी में गेहूं का बावरा 2438 रुपए, सिरसा मंडी में गेहूं का बावरा 2150 रुपए, होडल मंडी में गेहूं का बावरा 2250 रुपए, भिवानी मंडी में गेहूं का बावरा 2325 रुपए, देवास मंडी में गेहूं का बावरा 2350 रुपए से लेकर 2700 रुपए, उज्जैन मंडी में गेहूं का बावरा 2550 रुपए, लखीमपुर मंडी में गेहूं का बावरा 2260 रुपए, सीतापुर मंडी में गेहूं का बावरा 2290 रुपए, ग्वालियर मंडी में गेहूं का बावरा 2300 रुपए, नीमच मंडी में गेहूं का बावरा 2580 रुपए, बेगूसराय मंडी में गेहूं का बावरा 2300 रुपए, समस्तीपुर मंडी में गेहूं का बावरा 2400 रुपए, हाथरस मंडी में गेहूं का बावरा 2200 रुपए, अंतशैली मंडी में गेहूं का बावरा 2200 रुपए, धनकोर मंडी में गेहूं का बावरा 2150 रुपए, गुना मंडी में गेहूं का बावरा 2000 रुपए से लेकर 2900 रुपए, मंदसौर मंडी में गेहूं का बावरा 2500 रुपए, अलवर मंडी में गेहूं का बावरा 2250 रुपए, खुर्जा मंडी में गेहूं का बावरा 2310 रुपए, बुलंदशहर मंडी में गेहूं का बावरा 2300 रुपए, गंगानगर मंडी में गेहूं का बावरा 2125 रुपए, बहराइच मंडी में गेहूं का बावरा 2250 रुपए, हरदिया मंडी में गेहूं का बावरा 2100 रुपए, मैनपुरी मंडी में गेहूं का बावरा 2100 रुपए, शिवानी मंडी में गेहूं का बावरा 2300 रुपए, केरली मंडी में गेहूं का बावरा 1950 रुपए, खंडवा मंडी में गेहूं का बावरा 2200 रुपए, डबरा मंडी में गेहूं का बावरा 2250 रुपए, एटा मंडी में गेहूं का बावरा 2150 रुपए, अशोक नगर मंडी में गेहूं का बावरा 2200 रुपए से लेकर 2250 रुपए, अलीगढ़ मंडी में गेहूं का बावरा 2200 रुपए। ये थी किसान भाई आज की गेहूं की ताजा जानकारी और साथ में हाजिर मंडियों के ताजा भाव। इसी प्रकार से मंडियों के हर दिन के ताजा भाव जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।